क्या तुम्हारे सर आ गए? आंसू उठो, तबीयत बहुत खराब है, पूरा फीवर आया है, सर्दी जुकाम भी हो गया। चलो पिज्जा बना के देते हैं, ओके? ठीक है, होमवर्क नहीं बनाया है, मैंने ही मना कर दिया था कि होमवर्क नहीं बनाओ। एक घंटा ही, हाँ चलो एक घंटा ही पढ़ेंगे, मैंने ही बोल दिया था कि होमवर्क मत बनाओ। मेडिसिन लिया? हाँ। पिज्जा खाएगा कि मैक्रोनी खाएगा? आज पिज्जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस यहाँ पे अंश का आज तबीयत ख़राब है, तो अंश को दिन भर कुछ नहीं खाया, बिरयानी भी बनाया था। तो ये हमारा सैटरडे का वीडियो है, ठीक है ना? तो ये अभी दशहरा के टाइम का नहीं है, इसलिए मैंने उस दिन बिरयानी बनाया था। तो अंश के लिए मैं अभी पिज्ज़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पर अंश है ना, कोई भी वेजिटेबल डाल के पिज्ज़ा नहीं खाता है। तो गाइस मेरा पिज्ज़ा बन के रेडी है। ये मेरे और अंश का, मतलब डैडू, मेरे हस्बैंड और मेरा पिज्जा है, ये अंश का पिज्जा है, ठीक है? तो अभी मैं अंश को ले जाके दे रही हूँ पिज्जा कट करके। तुम ही बोला था ना पिज्जा बनाने के लिए अंश, अब क्यों नहीं खा रहा है? बहुत इसका तबीयत खराब हो गया, कैसे जाएगा मूवी देखने डैडू को, जो डैडू से टिकट कटवा के बैठा है। थाने आया था रणबीर कपूर, किसने डाला है? मेरे दोस्त ने। पिज्जा बहुत खाते हो, आज क्या हो गया अंश आपको, तबीयत खराब हो गया? गाइस मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से आ गए हैं, बहुत मेहरबानी किए हुए हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि एकदम रात हो जाता है, सूरज ढल जाता है, बीवी पति का इंतजार कर रही होगी तब मेरे पति ऑफिस से चलकर घर में पधारते हैं, और मैं यहाँ पे वेट करते 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 मेरा 7 साल बीत गया शादी का, वेट करते करते तंग आ चुकी हूँ। और भगवान, नहीं तंग नहीं, वेट करना मेरा वो बन गया है हमेशा का, क्या कहते हैं, आदत बन गया है वेट करने का। तो इनका वेट करना, वेट करते करते, और इनके लिए मैंने बिरयानी बनाया, खाएंगे क्या एक बिरयानी? हाँ, तो ये इनके लिए मैंने बिरयानी बनाई। तो दिन में मैं कुछ अच्छा बना रही थी ना, तो मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, इनका तो टिफिन बना के डाल दिया था, लेकिन अपना कुछ अच्छा बनाती हूँ ना गाइस, तो पता नहीं क्यों मुझे ना खाने का इच्छा नहीं करता। तो ये देखिए मैंने एक बिरयानी बनाया था दिन में, और अभी मैं जा रही हूँ। आप लोग वेजिटेरियन हो क्या सर? ओके, नहीं तो मैं आपको एक चीज खिलाती। ओके, कैसा लग रहा है पिज्जा? मस्त, खाइए, इधर है आप, इधर आपका पिज्जा है, खाइए मस्त। हाँ पूरा आपके लिए है, डाइटिंग की वाट लग जाएगी आपकी है। गाइज ये ऐसे इंसान हैं जो 10,000 भर के जिम में, और जिम नहीं जाते हैं अब भी, और जिम वाले को धोखा देते हैं हमको, मेरे जैसे सीधी साधी औरत को जिम वाले लोगों को धोखा देते हैं। इसी एंगल से सीधी लग रही है क्या? देखिए मैं अपना दुपट्टा ओढ़ के घर में घूम रही हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने दिन में जो बिरयानी बनाया था वो मैं हस्बैंड के लिए भी बनाया था, तो मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए। अभी 10:30 में हम लोगों को मूवी देखने जाना है। मस्त, चाय पीना है? चाय ऑफिस में नहीं पिए, कोई नहीं पिलाया है, और लेना बिरयानी खा लीजिए एक दिन। वैसे भी आप कौन मर पतले होने वाले, जिम तो कभी जाते नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ। सर हमारे चीनी वाला चाय। आपके सर, आपने कब से पढ़ाई चालू कर दी है? अरे मेरे सर ने मेरे बच्चे के साथ, मेरे को लगा आपने पढ़ाई चालू कर दी कोई, मुझे लगा कुछ कोर्स वोर्स करने जा रही है। मेरे सर ने बच्चे का सर। अच्छा बच्चे के सर, बच्चे के टीचर सर के लिए चीनी वाला अलग चाय बनाना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा और वो कर दूँ, और अपने लिए गुड़ अलग डालना पड़ता है। ओह ऐसी बात है, मुझे तो डाउट हो गया कि आपने कौन सी पढ़ाई चालू कर दी मेरे से छुप के। घर बच्चा पति से मारने से फुर्सत मिलेगा तभी ना पढ़ती है, जब पढ़ने वाले थे तो नहीं, पढ़ के क्या करूँगी अब, हो गया पढ़ाई खत्म, शादी के बाद कौन पढ़ाता है, कोई नहीं।
ऐसा? हाँ, तो जब बोलती थी तो ध्यान ही नहीं देती। ये पढ़ लीजिए, सर को रख दूँ आपको भी पढ़ा देंगे। कैसी पढ़िएगा? ABCD 1 2 कख क्या पढ़ना है मैडम? इस शो की कौन सा पढ़ाई हो रहा है? गाइस, हम लोगों को पिक्चर देखने जाना है, ठीक है ना? कोई शादी में नहीं जाना है कि इतना सेविंग ओविंग लगा के एकदम तैयार हो रहे हैं। कहाँ जाना है बाबा? बीवी का आईब्रो तक नहीं बन रहा है और आपका सेविंग हो रहा है। वाह, अभी 10 मिनट बाद पता चलेगा कौन शादी में जा रहा है, कौन ऐसे घूमने जा रहा है, कौन है। 10 मिनट बाद जब तैयार हो जाएगी ना तब। क्यों, मैं तैयार होती तो आपका होश उड़ जाता है क्या? बच्चा को खिलाने का ड्यूटी किसका है? वो खा नहीं रहा मेरे से। गाइस, पता है उसको क्या हुआ है? उसका तबीयत खराब हो गया। आंस आओ ना खाना खाने बेटा। देखिए, पिज्जा भी बनाया था, पूरा छोड़ दिया, एक स्लाइस खाया, एक स्लाइस उसके सर को दिया था, और ये बिरयानी बना के रखा है, खा ही नहीं रहा। आओ ना खा लो बेटा। देखिए, ये सांग गाना देख रहा है करीना कपूर का, और मामा हमको ये सब गाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों सर, अब ये गाना क्यों अच्छा लग रहा है आपको? अंस करीना कपूर का सॉन्ग देख रहा है आजकल, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले नहीं देखता था, पहले कहता था कि बूढ़ा लोग का सॉन्ग हटाओ अपने जवाना का, मम्मी ये ओल्ड सॉन्ग मुझे पसंद नहीं है। अब क्यों देख रहा है अंस? माई रूल्स, माई मजरी। तू भी बूढ़ा हो गया क्या? नहीं लग तो रहा है। मेरे पास कपड़ा भी है ना, समझ में नहीं आता है कौन सा पहना जाए कौन सा नहीं। दिन भर कौन सा कपड़ा पहनूं जी? मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। नहीं, पड़ोसी से मांग लूं? चलिए ना, उठिए ना, तैयार होइए ना। मेरे को नहीं। आप ऐसे ही जाएंगे? I'm already ready. यार कौन सा कपड़ा पहनूं यार? मेरे में है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है ना, मैं है ना कोई भी जींस का ऊपर का टी शर्ट मैचिंग नहीं रखती हूँ। ये सब जींस है, समझ में ही नहीं आता है क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। यार ये सूट ही पहन लेती हूँ। मैडम, मूवी देखने के लिए लेट हो रहा है, आज नहीं जाना है क्या? मैडम, मूवी का टिकट ले ली है, मूवी देखने नहीं जाना है क्या? पहले अपना मूंछ मुड़ा रही है, चले सेविंग करा दूं। तो आपने से उड़ा रही है मोच, ये नहीं कि दिन भर थोड़ा फेरी थी तो 5 मिनट नीचे जाके नहीं करवा लेती जैसे वो आईब्रो वगैरह? ये देखिए, ये पहली ऐसी लड़की होगी जिसको पार्लर जाने का मन नहीं करता है। नहीं तो लड़की लोग तो पार्लर जाने और तैयार होने के नाम पे एकदम कूद के तैयार होगी, है कि नहीं मुनिया? हाँ, बोलती है नहीं जाना है पार्लर। और देखिए, खुद से आईब्रो ट्रिम कर रही है। लाइए इधर, मैं कर दूं। हमको घर पे आके कर देगी तो सही है, और ऐसे हमको नहीं मन करता पार्लर वाला जाके। लाइए मैं कर दूं, दो दो घंटा टाइम पास कर। लाइए ना मैं कर दूं। लीजिए, कर दीजिए। इनको पहले धागा पहले चलानी आता है। क्या कैसे देखती हूँ आ रहा है। मत कर वो बाबा, ये कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, मत करवाओ। क्या? मत करवाओ, कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे, मत करवाओ। उल्टा सीधा कर देंगे, मत करवाओ। उल्टा सीधा कर देंगे तो देखूं। एक दो दो इसके मत करवाओ, छोड़िए। मेरे बाप ने डर लग रहा है तुम नाटक कर रहे हैं। एक तो नोच दिया पे। गाइस, ये मेरा उनको सच में पार्लर जाने का मन नहीं करता है, टाइम पास करने का। 2 घंटा बैठे रहो पार्लर में, इंतजार करते रहो कि मेरा क्यू कब आएगा, मेरे को कब आईब्रो बनेगा। और नहीं, घर पे भी मन नहीं करता है बुला के टाइम पास करने का।
लेकिन जब ज्यादा हो जाता है ना, जैसे इस टाइप का हो गया गाइस, तब मैं चली जाती हूँ कि अब अच्छा नहीं लग रहा। खुद से कर ले यार मेरे। चलिए करिए। छोड़ो उससे अच्छा तो हम कर लेंगे। मैं बोला ही तो लाओ, मैं सोती हूँ, सो के कर दोगे? मेरे से नहीं होगा, इधर उधर से उड़ जाएगा मेरे से। उसको तैयार कीजिए ना, ले जाकर उसको डेनिम का कपड़ा पहनाइए ना, तैयार कीजिए उसको, डेनिम वाला पहना दीजिए, उसका तबीयत खराब है। अंजा रेडी होने जाओ बेटा।